सर, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और आपने एक नए कैरेक्टर का जिक्र किया है, कोर्ट में क्या कहेंगे आप? सभी तो कोर्ट में थे, फिर कुछ नहीं, सभी लोग नहीं थे सर, तभी तो पूछ रहा हूं। हम लोग को कुछ लोग नहीं थे जो कोर्ट में बातें हुई हैं, मैं वो यहाँ नहीं बोलूँगा। कोर्ट में मेरी एक आर्ग्यूमेंट हो गई है, सामने वालों ने एक समय मांगा है एक दिन का, परसों दोपहर में वापस से सुनवाई हुई। सर, अली कौन है और क्या रोल है उसका? नो कमेंट। आपने बात कही थी कि मैंने कोर्ट में जो बोला है, मैं वो यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। यू कंप्लीटेड योर आर्ग्यूमेंट्स टुडे, नहीं बात करेंगे। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ यू नो कंक्लूडिंग दिस आर्ग्यूमेंट, कंसीडरिंग देयर आर सेवरल एलिगेशंस, आल्सो देयर वाज अ लव जिहाद एलिगेशन एंड सेवरल अदर्स दैट यू साइटेड टुडे, व्हाट फॉर्मड द आर्ग्यूमेंट्स टुडे, इफ यू कैन टेल अस? सी, व्हाटएवर आई हैव आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट, इट दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म दैट आई शुड डिस्क्लोज ऑल दोस एस्पेक्ट्स। Whatever allegation they have labeled, whatever allegation they are labeling day by day, there is not even an iota of truth in it. It is studiedly false. They are merely aggravating and blowing the whole matter out of proportion. Shehzan Mohammed is innocent. He has been innocently framed. Some media people or everybody were there in court. You people have already heard my argument. I have disclosed every facts before the court. Let court take a call on it. सर, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी माँ के भी एक ऑडियो क्लिप बाहर लाई गई है। आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी माँ और तनिषा के बीच अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन वो ऑडियो कहीं ना कहीं ये प्रूव करते हैं कि उनके बीच में अच्छे संबंध हैं। शायद फिर आप लोगों ने पूरा मीडिया का न्यूज़ गौर से सुना नहीं। उनके जो डॉगी घर में आए थे, जिसको उनकी माँ दूर दूर तक गले नहीं लगा रही थी, उस दिन उनकी माँ ने वो डॉगी को गले लगाया करके वो ऑडियो भेजा है। उसके बाद का ऑडियो हमारे पास भी है, बट मैं यहाँ मीडिया ट्रायल के लिए नहीं आया हूँ। मैंने मेरा पक्ष कोर्ट के सामने रखा है। जो भी आरोप वो लगा रहे हैं, लगाने दीजिए उनको। किसी भी आरोप को जहाँ तक लगाना है लगाए, पुलिस अपनी जांच अनबायसली करे। सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी होना तय है। शिजान मोहम्मद, वापस से मैं रिपीट करता हूँ, बेगुनाह है। उसे इनोसेंटली इस मैटर में प्रूव होना है और उसको फंसाया गया है। सर, उनकी तरफ से एक और आरोप लगाया गया, उन्होंने कहा है कि तनिषा जिस हालत में लाई गई थी, आज की दलील से ये प्रूव होता है कि शिजान और तनिषा के आखिरी क्षणों में कुछ बातचीत हुई है, तो ये कहीं ना कहीं आत्महत्या नहीं, ये हत्या का मामला बनना चाहिए। देखिए, वो अभी कल जाके बहुत कुछ बोलेंगे, हत्या है या सुसाइड है, पहले तो वो लोग आपस में डिसाइड करें। सुसाइड का एफआईआर भी उन्होंने रजिस्टर किया, हमने नहीं। हत्या का एलिगेशन भी वो लोग डाल रहे हैं। पूरे प्रकरण में उन्होंने डे बाय डे पूरे इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया है। उन्होंने उन तथ्यों को पुलिस के सामने रखा है, जिस तथ्यों में चल के पुलिस को इस पूरे प्रकरण में कुछ मिलने वाला है नहीं। वो दोनों अपने अपने ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए थे और ये बात सत्य है, जो आज उनके वकील ने खुद अपने रिटर्न सबमिशन में एडमिट भी किया है। उसके लिए अब इन सब बातों को हम मीडिया में नहीं लेते हैं, क्योंकि कैसे भी है बच्ची का देहांत हो गया है। सर, आज आपने सूरज पांचोली और कई हाई प्रोफाइल केस का भी आपने हवाला दिया है कि उन केस के आधार को और इनको जो है जोड़ने की कोशिश की थी, क्या था ये पूरा मामला और किस तरीके से आपने अपनी दलील दी? क्योंकि मैंने कोर्ट के सामने जजमेंट रखे हैं, वो हमारा कोर्ट का मैटर है। जजमेंट पे तो हम बात कर सकते हैं। आपको अगर आपका व्यक्तिगत कोई प्रश्न है पूछिए, मैं उसका जवाब दे। सर, अली के बारे में कुछ बताइए, अली कौन है? सर, अली नाम का जिक्र किया था आपने। यही था पुलिस की क्वेरी थी कि आखिरी व्यक्ति शिजान है जिसने तनिषा को देखा या बात किया, लेकिन आज आपके साइटेशन में, आज आपकी जो दलीलें थी उसमें बात नहीं निकल के आई कि बंदा था जिससे 15 मिनट वीडियो कॉल हुआ था तनिषा का, उसके बारे में जरा बताएं कि कौन था व्यक्ति या थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी उसके बारे में। देखिए, मैटर मेरा सब जूडिस है, ऑलरेडी आपके मीडिया में जिम ट्रेनर का उल्लेख हो चुका है। इसके लिए मुझसे इस मुद्दे पे अभी फिलहाल कोई कमेंट मत कराइए। जिस दिन मेरा सुनवाई हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगी, मैं सारे तथ्य आपके सामने। एक आखिरी सवाल, आपने ये कहा कोर्ट में कि शिजान को सिर्फ इसलिए इस केस में आरोपी बनाया गया या उसे सलाखों के पीछे भेजा गया क्योंकि उसके रिलीजन की वजह से, उसके धर्म की वजह से। पिछले 3 दिन में कितने सुसाइड हुए, आपने तो बहुत कवर किया रहेगा। जिस तरह से इसको अरेस्ट किया गया, किसी और को अरेस्ट किया, किसी तरह दूसरों मुद्दों को इस तरह से उछाला गया, सब जानते हैं सच क्या है। तो ये अली वही है जो जिम ट्रेनर है, अली क्या बात? नो कमेंट्स, मैंने मेरे पक्ष कोर्ट पे रख दिया, आप सभी थे वहाँ पे, कोर्ट का चीज मत पूछो, प्लीज रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। सर, एक पीछे जीता पीछे नहीं रखना चाहो, थोड़ा सा सामने से प्लीज लगा दिया मैंने, किस तरह इधर लाओ आधा इधर। अरे दादा,
साइड देख